रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर कहानी, जब कलकत्ता की गली से निकलकर चित्तौड़गढ़ आई तो काबुली वाला से बन गई कुल्फी वाला। चित्तौड़गढ़ के इस भव्य किले को देखकर चौंकिएगा नहीं, ये कहानी किसी राजा या महाराजा की नहीं है। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे किशन बाबू के घर, जो इस समय काफी व्यस्त मालूम पड़ते हैं। आखिर आज इनकी इकलौती बेटी की शादी जो है। देखती नहीं हूँ, हिसाब बना रहा। बेटी की शादी में बहुत खर्चा होता है। हो जाऊंगा तैयार, वैसे भी बारात को आने में अभी 2-3 घंटे तो लगेंगे। सड़क की हालत तो तुम्हें पता ही है। वो जयपुर से सारंगी वाले से बात हो गई ना, मैंने तो पूरे मोहल्ले में बोल दिया है, एक ही बेटी है और हम उसकी शादी पूरे धूमधाम से करेंगे। देखो भाग्यवान, क्या जरूरत है, सारंगी वाले बहुत पैसा मांग रहे हैं। मैंने पहले ही तुम्हारे कहने पर बहन बेटियों की साड़ियों की जगह लहंगा कर दिया है, खाने में एक मिठाई भी बढ़ा दी है, और कंवर साहब ने भी 2 की जगह 4 ढोल बोले हैं दोस्तों को नाचने के लिए। सारंगी वालों को देने के लिए और पैसे तो नहीं है ना हमारे पास। पर फिर लोग क्या कहेंगे? तो उनको कहना कि किशन बाबू ने मना कर दिया। देखो तुम्हारा पति राजस्थानी लेखक है, कोई व्यापारी नहीं। लेखक, वो भी एक ऐसी भाषा का जिसकी किताबें आजकल नहीं बिकती। बताओ कहाँ से लाऊं पैसा। ठीक है, समझ गई। मैं बोल दूंगी मोहल्ले वालों को कि बिना सारंगी के भी ब्याह होता है। चलो ये हिसाब का काम हो गया, बाकी के काम कर लेंगे। किशन बाबू, काफी काम बचा है। किशन बाबू, किशन बाबू, अरे अहमद तुम कितने सालों बाद, आओ आओ अंदर आओ। और बताओ कहाँ थे इतने दिन? हाँ 10 साल बीत गए। वो कल श्यामी जेल से छूट के आया मैं। ओ किशन बाबू, वो थोड़ा हमारा नन्नू को देखने की तमन्ना थी तो चल आया। अहमद आज घर में जागरण है, बाहर से बहुत सारे मेहमान भी आए हैं, आज नहीं हो पाएगा, फिर किसी दिन। ओ किशन बाबू, थोड़ा देखने को मिल जाता हमारा बच्ची एक बार, फिर जाने खुदा कब मिलाएगा उससे। पर ठीक है, जैसा परवरदिगार का मर्जी। अहमद समझो, नहीं हो सकता, आज सब बहुत व्यस्त है, किसी और दिन मिल लेना। नन्नू तो मेरा बच्ची के जैसा, मेरा साहिबा के जैसा, जिसको 10 बरस पहले मैं अपने मुल्क वतन पे छोड़ कर आया। ये देखो। ये देखो मेरा बच्ची का हाथ, ये नन्ने हाथ, यही वही मेरे वतन से यही लेके आया। नन्नू में अपना बच्ची अपना साहिबा को देखते मैं, जब भी नन्नू मेरे सामने खेलता है, मुझसे बात करता है, मुझसे मुझे भैया भैया कह के बुलाता है, मेरे को मेरा साहिबा याद आता है। ठीक है, जैसा परवरदिगार का मर्जी।
कुल्फी इतनी फेमस, सब खाने को रहते बेबस। मेरी कुल्फी इतनी फेमस, सब खाने को रहते बेबस। कुल्फी वाले कोई छोटा बच्ची ने आवाज लगाया इधर से। ओ इंकुड़ी ने, आप रुकिए मैं बुलाता हूँ। इंकुड़ी बेटा तुमने आवाज लगाई। बाबूजी ठंडी मीठी कुल्फी। अच्छा लाओ एक दे दो और ये लो पैसे। ये लीजिए बाबूजी ठंडी मीठी कुल्फी। अच्छा कहाँ से आए हो भैया? मैं बाबूजी कंधार से आया हूँ, कंधार से। वैसे तो मैं पश्मीना शॉल बेचने का काम करता हूँ, पर दिन में थोड़ा हाथ खर्ची के लिए कुल्फी बेच लेता हूँ। अच्छी बात। मेरी कुल्फी इतनी फेमस, सब खाने को रहते बेबस। मेरी कुल्फी इतनी फेमस, सब खाने को रहते बेबस। बेटा खाए बेटी खाए, खाकर सब हो जाए मस्त। कुल्फी वाले। अच्छा नन्नू बेटा एक बात बताओ जरा, तुम कभी जाओगे ससुराल? मैं जाऊं ससुराल? आप जाओ अपने ससुराल। तो ये थी कुल्फी वाले और टिंकुड़ी की पहली मुलाकात, पर धीरे धीरे टिंकुड़ी और कुल्फी वाले की अच्छी दोस्ती हो गई। कुल्फी वाला रोज आता और दोनों आपस में मिलकर खूब सारे खेल खेलते। किशन बाबू भी निश्चिंत थे, पर उधर कोई इस बात से थोड़ा परेशान था। मंजू यानी टिंकुड़ी की मम्मी, उसे इस कुल्फी वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और एक दिन सब्र का बांध टूट ही गया। क्या हो गया भाई, क्यों बच्ची को डांट रही हो? ये लो आग, आपने इसे सर पे चढ़ा दिया है, और देखो इसके हाथ में क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम थोड़ी शांत रहो। टिंकुड़ी तुमने कुल्फी वाले से पैसे क्यों लिए बेटा? कुल्फी वाले ने मुझको कहानी सुनाने को कहा, और बाबू साहब आपको तो पता ही है कहानी कोई मुफ्त में थोड़ी ना सुनाई जाती है, तो मैं कुल्फी वाले को कहानियाँ सुनाती हूँ और वो मुझको पैसे देता है। सीधी सी बात बोलती है कुल्फी वाले ने भी, उसने दिए और इसने लिए भी लिए, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। देखो ना बाबू साहब, कुल्फी वाला अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, पहले खाना खा लो, तब तक कुल्फी वाला भी आ जाएगा, फिर खेल लेना। नहीं मुझे नहीं खाना।
क्या बात है, अहमद को क्यों ले जा रहे हैं? ओ किशन बाबू, इंसानियत का जमाना नहीं रहा। ये बाबूलाल बहुत गंदा आदमी, मेरा कोई गलती नहीं। कहाँ जा रहे हो कुल्फी वाले? ससुराल जा रहा हूँ। अहमद रुको, आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ, मैं एक मिनट में आता हूँ। रिंकू बेटा, एक मिनट बाहर आना जरा। मंजू, मैंने कहा ना बस 5 मिनट, मैं आता, आओ बेटा। नन्नू कितना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, उधर मेरा साहिबा भी इतना बड़ा हो गया। ओ नन्नू, तुम ससुराल जाएगी, खुदा तुम्हारा हिफाजत करे, खुदा तुम्हारा हिफाजत करे। अहमद, खुदा हाफिज, अपने घर जाओ, मेरी साहिबा से मिलो। ओ किशन बाबू, उधर कैसे जा सकते हैं, अभी इधर रुकना पड़ेगा, पैसा जोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर के अपने मुल्क जाना होगा। ये लो अहमद, घर जाओ। नहीं, ये पैसा मैं नहीं ले सकता। ओ नहीं नहीं अहमद, कह रहा हूँ ना, रखो, जरूरत होगी, अपने घर जाओ, अपनी साहिबा से मिलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम इंसान नहीं है किसी का, तुम फरिश्ता है, फरिश्ता।